हेलो एवरीवन, मैं अमन घावरी एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गीकी थिंग्स पर स्वागत करता हूँ। यह हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पर आप सभी का अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आएगा। अब बात करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो डिस्क डिफ्रेगमेंट के टॉपिक पर है। मैक्सिमम टाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो पीसी है वो बहुत हैंग होता है, तो हम उसे सही करने के लिए फॉर्मेट या विंडो चेंज करवा देते हैं, बट फिर भी कई बार उससे खास अंतर नहीं पड़ता। तो हम हैंगिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए एंड कंप्यूटर का डाटा बिना फॉर्मेट किए उसे ठीक करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हार्ड डिस्क ईजीली एंड एफिशेंटली वर्क करती है तो पीसी हैंग नहीं होता। तो चलिए देखते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंट करने की प्रोसेस। डीफ्रेगमेंटेशन के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो प्लस आर। इससे रन विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आप टाइप करें DFRGUI। अब ओके पर क्लिक कर दें तो इससे एक विंडो ओपन होगी ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स, जिसमें आपकी पूरी ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन होगी। आपको इन सारी ड्राइव्स को डीफ्रेगमेंट करना है, तो मैं आपको एक ड्राइव डीफ्रेगमेंट करके दिखाता हूँ। सी तो सी में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है लास्ट रन नेवर रन, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने इसे डिफ्रेगमेंट नहीं किया है। तो इसे हम एनालाइज कर लेते हैं। अभी ये एनालाइज हो रही है। एनालाइज होने के बाद ये बताएगी कि हमारी ड्राइव में कितनी प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट करते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, जितनी हमारी ड्राइव की साइज़ होगी उस हिसाब से वो टाइम लेता है। अभी हो रहा है, 50% हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं अभी कि 16% फ्रेगमेंटेड है, मतलब इफेक्टेड है अभी 16%, और ये ऑप्टिमाइजेशन करने का कह रही है। तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर देंगे जिससे कि ये विंडो सही हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करें। ऑप्टिमाइज़ पर हम क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज होने लगेगा फिर से। 0% है अभी। थोड़ा वेट करते हैं। आप देखिए अभी ये एनालाइज हो चुकी है 100%। हाँ अभी ये देखिए आप पास वन आ चुका है इसमें। अभी ये रीलोकेट हो रही है। हाँ अभी ये पास वन शुरू हो गया है, डीफ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया है। जैसे अभी पास वन हो रहा है ऐसे और कई भी पासेस होते हैं। लगता है अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं।
देर में वापस मिलते हैं। हाँ देखिए, अब हम वापस आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें 0% फ्रेगमेंटेड लिखा हुआ है, मतलब डीफ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरह जैसे हमने सी को डीफ्रेगमेंट किया है, आप उसी तरह अपनी पूरी जितनी भी डिस्क ड्राइव्स हैं सबको डीफ्रेगमेंट कर लें, तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।